आप लोगों के शेयर करने के कारण फ्रेंड, आखिर किसी को ऐसे कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो तो फ्रेंड्स हमें कमेंट करके बताना, उनके लिए हम ये जो ये दाने का तीर घुटी का जो रस है हम निकाल के रखेंगे फ्रेंड्स। तो हेलो फ्रेंड्स, सभी फ्रेंड को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। फ्रेंड, जो आज का मेरा ब्लॉग है, मैंने दिन भर पे शूट नहीं किया तो मैं अभी शूट कर रही हूँ। शाम का बज रहा है अभी 5। तो देखिए फ्रेंड, शाम के सुंदर नज़ारे आप सब देख सकते हो। मौसम जो है आज बहुत ही अच्छा था। तो फ्रेंड, आज हम बना रहे हैं यहाँ का लोकल चाय। बनाते तो हम रोज है फ्रेंड, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ क्या बोलते हैं ये चाय पीकर फ्रेंड, जो ये चाय है लोकल यहाँ का, उससे क्या फ़ायदे होते हैं, उससे जो रोग है हम लोगों को नहीं लगता है, खास करके जैसे कैंसर की बीमारी है फ्रेंड, उसके लिए भी सबसे बेस्ट है ये चाय। तो इस चाय का नाम, जिस चाय से बनता है उस चाय का नाम है तिरगुटी, उस दाने का नाम है तिरगुटी। शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक है फ्रेंड, तो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं बनाती हूँ फ्रेंड, आप लोगों को दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने पानी लगा दिया है इस गिलास का, 1.5 गिलास अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए ही बना रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है तिरगुटी, इसका बना रही हूँ मैं चाय। तो अभी बताऊंगी मैं आपको, तो इतना ही यूज करना है फ्रेंड्स। तो इसको चाय पत्ती नहीं डालना है फ्रेंड्स, चाय पत्ती के जगह हमने इसको लेना है तिरगुटी को। चलो थोड़ा सा मैं और डाल रही हूँ, तो अभी मैं चीनी डालती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस चाय को हम रोज लेते हैं सुबह शाम, तो इसके काफ़ी फायदे हैं फ्रेंड्स। आपको कभी कोई भी बीमारी नहीं लगेगी, कोई भी बीमारी नहीं, शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक है ये चाय। तो यहाँ के सारे जो लोग हैं, बुजुर्ग खास करके, सुबह शाम इसके ही चाय लेते हैं, तो हम भी लेते हैं फ्रेंड। तो ये फ्रेंड्स अभी लगा नहीं है, मैं आपको दिखाना था, मैंने ये जो लगता है, ये जो तिरगुटी का दाना है फ्रेंड्स, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, तो अभी लगा नहीं है। इसका जो पेड़ होता है, जो झाड़ी होता है, कांटों से भरा हुआ बहुत ही बड़ा झाड़ी होता है, तो उस पे ही लगता है ये दाना फ्रेंड्स। अभी तो लगे नहीं है, जब लगेंगे फ्रेंड्स, जब हम तोड़ने जाएंगे तो मैं वीडियो के द्वारा आपको दिखाऊंगी। जो यहाँ के लोग हैं फ्रेंड्स, इस तिरगुटी के दाने को तोड़ के रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट वाले आते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट वाले आते हैं बहुत दूर दूर से फ्रेंड, तो इसलिए तिरगुटी का जो दाना है इसका बहुत ही ज़्यादा डिमांड करते हैं। इसलिए यहाँ के सारे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको तोड़ के, इसको धो के फिर सुखा के रखते हैं फ्रेंड। तो फिर मैंने भी पिछली बार तोड़ के रखा था, तो इसका जो रेट है, जो इसका प्राइस है फ्रेंड, सुखा कर 5,000 रुपये किलो है फ्रेंड्स। तो काफ़ी दूर दूर से लोग इधर खरीदने भी आते हैं फ्रेंड, और जैसे मद्रास के लोग हुए, जैसे कोलकाता के लोग हुए फ्रेंड, इसको खुद ही तोड़ने भी आते हैं। तोड़ने पे बहुत ही मुश्किल होता है फ्रेंड, क्योंकि कांटों से भरा होता है, जो इसका झाड़ी है ना, जिस पे लगता है वो कांटों से भरा होता है, तोड़ते समय बहुत ही दिक्कत होती है फ्रेंड। तो जब इस पे लग जाएंगे, जब हम तोड़ने जाएंगे, तो फ्रेंड्स मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड, उमल रहा है, इसको थोड़ी देर तक उमालना है ताकि इसका रस जो है अच्छे से निकल जाए। तो फ्रेंड्स, खास करके जो ये तिरगुटी का दाना है, खास करके इसका दवाई कैंसर के लिए बहुत ही लाभदायक है। जो हमारे मालिक के बेटे हैं फ्रेंड्स, वो हर साल, उनका दोस्त रहते हैं दिल्ली पे, डॉक्टर है फ्रेंड, तो वो हर साल हम लोग तोड़ते हैं, क्योंकि हमें बोलते हैं निकालने के लिए, क्योंकि वो जॉब करते तो उनके पास टाइम नहीं होता, तो हम निकाल के देते हैं उनको 2-3 बाल्टी फ्रेंड्स, हम ही निकाल के देते हैं। जो हमारे मालिक के बेटे हैं, उनके जो दोस्त है वो दिल्ली पे रहते हैं, डॉक्टर है, तो हर साल वो 15 लीटर इस तिरगुटी के दाने का जो रस है उसको निकाल के दिल्ली पहुंचाते हैं। तो फ्रेंड, कैंसर के लिए तो बहुत ही अच्छा है। आखिर उसके बाद उस दाने को फ्रेंड्स, उस दाने को निचोड़ के फ्रेंड, उसका रस निकाल के कैनी पे पैक करते, फिर उस जो ये छिलका है फ्रेंड्स, तब इसको हम सुखा कर चाय के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका सुबह शाम चाय पीने से भी बहुत ही अच्छा शरीर पे आपको लाभदायक मिलेगा फ्रेंड, कोई बीमारी नहीं लगेगी, बीमारी से बचे रहोगे। अगर किसी को कैंसर है तो प्लीज़ फ्रेंड हमें बताना, हमसे कॉन्टैक्ट करना, हमें कमेंट करना कि हम ये दाने का जो रस है निकाल के हम आप तक पहुँचा सकें। या आप जैसे घर पर भी इसको एक एक बोतल पर
इकट्ठा करके रख सकते हैं इस दाने का रस को। मिलता तो नीचे कहीं नहीं है फ्रेंड, इसी जगह पे मिलता है, बस यही पहाड़ी जगह पे मिलता है। नीचे आप कहीं भी खोज करोगे इस दाने का तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ यही मिलते हैं। इसलिए काफी दूर से लोग यहाँ पे खुद तोड़ने भी आते हैं, और टूरिस्ट वाले जो है बाहर के लोग हैं वो तो इस दाने के ज्यादा ही डिमांड करते हैं, तब हम लोग इकट्ठा करके रखते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग भी हमें बताना, आप लोगों को किसी की जरूरत होगी या फिर किसी को कैंसर की बीमारी है तो बताना फ्रेंड्स, हमें कमेंट करना, हम आप तक पहुंचा देंगे। तो फ्रेंड्स क्या बोलते हैं आप इस पे, ये जो दाने का रस है कभी भी खराब नहीं होता है, आप लोग इस पे बोतल पे ढाल के फ्रिज पे रख सकते हो, और आप सुबह सुबह ठंडे एक गिलास पानी पे इसका एक ढक्कन डाल के भी सुबह सुबह खाली पेट ले सकते हो। तो फ्रेंड देखिए मेरा जो चाय है तैयार हो गया, मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड बन के तैयार हो गया है। देखिए फ्रेंड्स इस चाय का कलर हल्का हल्का ऑरेंज है, तो मैं पी के बताती हूँ आपको। फ्रेंड्स इसका जो टेस्ट है फ्रेंड, जो इसका फ्लेवर है तो थोड़ा थोड़ा खट्टा है फ्रेंड, बहुत ही अच्छा है और शरीर के लिए काफी लाभदायक है, बहुत ही ज्यादा फ्रेंड्स, खास करके तो कैंसर के लिए। अगर सुबह शाम लोगे भी ये भी आपके शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होगा, काफी लाभदायक होगा। तो फ्रेंड्स मैं आप सबको दिखाऊंगी वीडियो की तरह, थोड़ा सबर करना, इस जो ये तीरकुटी का दाना है उसको लगने दो, जब हम तोड़ने जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही दिक्कत होती है फ्रेंड्स, बहुत ही मेहनत लगता है, क्योंकि उस जो झाड़ी है उस पर पकड़ने के लिए हमें थोड़ा सा भी जगह नहीं होता, कैसे तोड़ते हैं और कैसे इकट्ठा करते, बहुत ही मुश्किल होता है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो पे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना फ्रेंड्स और सब्सक्राइब करना, आप लोगों के शेयर करने के कारण फ्रेंड आखिर किसी को ऐसे कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो तो फ्रेंड्स हमें कमेंट करके बताना, उनके लिए हम ये जो दाने का तीरघुटी का जो रस है हम निकाल के रखेंगे फ्रेंड्स। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ फ्रेंड, मुझे आपका अपना फुल सपोर्ट देना, मुझे फुल आप लोगों का फुल सपोर्ट की जरूरत है फ्रेंड, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं खत्म करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।